ये लो पानी पियो। क्या बात है चांदनी, अचानक क्या हो गया तुम्हें? अमन, हम यहां कुछ सोच कर आए थे। हमने फैसला किया था कि मॉरिशस आकर हम शादी कर लेंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हाँ, और वो फैसला अभी बरकरार है, बदला नहीं। ऐसा लगता तो नहीं? ऐसा लगता है जैसे जैसे हम यहाँ सैर करने आए। चांदनी, वक्त ही कितना हुआ है हमें यहाँ आए हुए। कितना भी हुआ हो, लेकिन एक बार भी हमने शादी की बात तक नहीं की, पीछे मुड़कर देखने की कोशिश भी नहीं की कि हमारे यहाँ आने के बाद वहाँ क्या हो रहा है। चांदनी, मुझे नहीं लगता इस वक्त हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत है। तो क्या राहुल और सुनील को भी पूछा जिन्होंने इतनी मदद की हमारी? हम कम से कम एक फोन तो कर सकते थे, लेकिन हमने वो भी नहीं किया। बस बीच बॉल, स्विमिंग पूल, बोट राइड्स। ऐसा लगता है जैसे जैसे किसी ने उठाकर हमें दूसरी दुनिया में रख दिया। मेरे ख्याल में तुम इस सब को गलत नजरिए से देख रही हो। तो कैसे देखूं? तुम बताओ मुझे। देखो, जहां तक राहुल और सुहेल को फोन करने का सवाल है, तो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गलती से भी किसी को पता चले कि हम मॉरिशस में। और जहां तक शादी का सवाल है, तो हकीकत यह है कि हमें कुछ और पैसे जमा करने पड़ेंगे। पैसे तो लगेंगे ही। तो हम पैसे बचा कहां रहे? उल्टा और खर्च कर रहे। ऐसा कहने की शीना यहां रहने के पैसे नहीं लेगी हमसे, ये बात तो उसने पहले ही दिन क्लियर कर दी थी ना। अगर हम ऐसे ही समय गवाते रहे तो जो थोड़ा है भी हमारे पास वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब तुम क्या चाहती हो? अमन, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके हम दोनों शादी करें। चांदनी, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन निकाह ऐसे तो हो नहीं सकता। गैर मुल्क में हम, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। कैसा वक्त अमन? अब हमें किसी की इजाजत तो लेनी नहीं है। जो कुछ होना है वो यहाँ इस कमरे में भी तो हो सकता है ना। चांदनी, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सा भरोसा रखो मुझे, प्लीज। अब मैं बस इतना कह रही हूँ, चलो सुहेल से भी बात कर लेंगे, लंबी बात करेंगे। मेरा क्या जाता है, बिल तो तुम्हारे वालिद साहब ही बनने वाले हैं। ऐसे ही हंसती रहा करो।